नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका बिहारी न्यूज में। मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे सड़क और पुल के निर्माण को लेकर। नीतीश कैबिनेट की बैठक में पिछले दिनों कई अहम फैसले लिए गए। इस फैसले के तहत कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के 10 जिलों में नए पुल और 18 जिलों में नई सड़कों को बनाने की बात कही गई। बता दें कि इस योजना को लेकर नीतीश कैबिनेट की बैठक में 822 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। बता दें कि यह भी कहा गया कि नीतीश सरकार इसके लिए नाबार्ड से ऋण लेगी। इधर पुलों के निर्माण को लेकर कैबिनेट की बैठक में यह भी कहा गया कि 103.42 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है, जिसमें से 71.31 करोड़ रुपए का ऋण मिलेगा। बता दें कि इन पुलों के निर्माण 10 जिलों में किया जाना है। बिहार सरकार ने जिन जिलों में पुल निर्माण की बात कही है उसमें सारण, गोपालगंज, भोजपुर, जहानाबाद, पटना, दरभंगा, कटिहार, गया और मधुबनी में पुलों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि सारण जिले में चैनमा चैनपुर सड़क, गोपालगंज में सिवान बढ़िया सरफरा सड़क, भोजपुर में आरा सलेमपुर और आरा सासाराम सड़क के साथ साथ रोहतास में नासिरगंज बाजार भाग सड़क, सासाराम तिलैथू अमरा तालाब सड़क, जहानाबाद में मखदुमपुर सोनवा खुलासगंज सड़क, पटना में बाढ़ सहरी सरमेरा सड़क, सिवान में बदरजीमा कैलजर सड़क बनेंगे। अगर हम सड़क निर्माण की बात करें तो दरभंगा में ननोरा मोहम्मदपुर सड़क, कटिहार में बेलोरी बाजार सोनौरी बाजार सड़क, बिस्तौरी कुशियारी सोनौरी सड़क, कदवा प्रखंड मुख्यालय में चौकी सड़क, गया में डुमरिया इमामगंज बांके बाजार करमैन मोड़, गुरुआ मथुरापुर गुरुआ अहियारपुर टिकारी मनियारपुर सड़क और मधुबनी में रहिका बेनीपट्टी पुपरी सड़क, खजौली बासोपट्टी हरीलाखी में सड़क निर्माण किया जाएगा। इधर पटना में जाम से निजात दिलाने के लिए बन रहे गंगा पथ में नसरुद्दीनगंज घाट से धर्मशाला घाट के बीच में 2.9 किलोमीटर लंबाई पर गंगा के कटाव के कारण 8 ग्रेड सड़क का निर्माण किया जाना मुश्किल था। वहां पर 470 करोड़ रुपए से एलिवेटेड सड़क बनाई जाएगी। इस पूरी योजना को लेकर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने बताया कि नाबार्ड के साथ 3-4 महीने से बैठक कर इन योजनाओं को में संसाधन जुटाने का प्रयास किया गया है। बता दें कि बिहार सरकार यह दावा करती है कि आप प्रदेश के किसी भी जिला मुख्यालय से राजधानी पटना 5 घंटे में पहुंच सकते हैं। उसके पीछे के जो तर्क दिया जाता है उसमें प्रदेश में सड़कों की बेहतर स्थिति और काम को लेकर कहा जाता है। बिहार सरकार प्रदेश में सड़कों की बेहतर स्थिति को लेकर लगातार काम कर रही है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार सड़कों को लेकर बेहतर काम करेगी। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।